ये है राज बब्बर का घर जो मुंबई के जुहू में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। गाइज, फाइनली मैं आ चुका हूँ मुंबई के जुहू इलाके में और अभी हम खड़े हैं गुलमोहर रोड पर। और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं राज बब्बर जी का घर, कि मुंबई में राज बब्बर जी का घर कहाँ है और उनके घर की प्राइस क्या है। दोस्तों, आपको बता दें, राज बब्बर जी का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था और वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं। तो उनका बॉलीवुड तक सफ़र कैसा रहा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। और उनके फैमिली में कौन कौन है, उनका घर कहां पर है, एड्रेस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं राज बब्बर के घर के सामने और ये जो आपको सामने का नज़ारा दिख रहा है, ये उनका मेन गेट का नज़ारा है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ये सुंदर सा बंगलो है और पूरा इनका बंगलो वाइट कलर से कलर किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और हर बालकनी में काफ़ी अच्छे से ग्रीनरी लगाकर सजाया भी गया है। यहाँ पर 5 मंजिल की ये बिल्डिंग है और एक तरह से आप इसको बिल्डिंग भी कह सकते हैं, एक तरफ से आप लोग इसको बंगलो भी कह सकते हैं, लेकिन आगे से रोड के साइड से इसका नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर देखिए ऊपर छोटी सी बालकनी है और कितना बढ़िया वहाँ पर ग्रीनरी लगाकर सजाया गया है, गेट भी काफ़ी सुंदर है। तो इस वीडियो में हम आपको इनके घर के बारे में अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे और साथ में इनके टोटल संपत्ति के बारे में भी आपको सब कुछ बताएंगे। गाइज, फिलहाल थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा दें, देख सकते हैं कितना लाजवाब लग रहा है ये घर। और ये घर मुंबई के जुहू में गुलमोहर रोड पर है। जैसे आप लोग गुलमोहर रोड से आगे जाओगे, ये प्लॉट नंबर 20 है और इनके घर का नाम, एड्रेस सब कुछ मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए, ये मेन रोड है उधर और ये इनका घर है। और यहाँ बगल में आप लोग एक वीडियोस देख रहे होंगे, ये वीडियोस में राज बब्बर जी अपने बच्चों के साथ मस्तियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियोज इसी घर के अंदर का है। तो आप लोग अंदर का भी थोड़ा सा लुक यहाँ पर देखिए, घर का इंटीरियर कितने अच्छे से सजाया गया है। बगल में आप लोग एक तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर में इनकी पूरी फैमिली है और यहाँ पर ये अपने बेटे के साथ चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बंगलो दिख रहा है, ये राज बब्बर जी का ही है। आपको बता दें कि 2015 में इस बंगले की कीमत 7.5 करोड़ थी, लेकिन अब इस बंगले की कीमत बढ़कर करीब 15 से 20 करोड़ के बीच में पहुंच चुकी है। राज बब्बर जी के पास 3 घर हैं। आपको बता दें, तीनों घर का एड्रेस 20 महादेव रोड नई दिल्ली में, और एक है नेफत्य 20 गुलमोहर रोड JPBD योजना मुंबई, और तीसरा है 94 एलोरा एनक्लेव दयालबाग आगरा उत्तर प्रदेश। यानी इनके पास दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश तीनों जगह पे घर है। राज बब्बर ने 2 शादी की थी। इनकी पहली पत्नी 1975 में इन्होंने नादिरा बब्बर से शादी की थी और नादिरा बब्बर के रहते हुए ही, यानी बिना तलाक दिए हुए, इन्होंने दूसरी शादी स्मिता पाटिल से कर ली। और आपको बता दें कि इनके जो आर्य बब्बर हैं, इनके बेटे, वो नादिरा बब्बर के बेटे हैं और जो प्रतीक बब्बर हैं वो स्मिता पाटिल के बेटे हैं, और जो जूही बब्बर इनकी बेटी हैं वो नादिरा की बेटी हैं। और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय कुशल कुमार बब्बर और माता का नाम शोभा रानी बब्बर था। राज बब्बर के 2 भाई थे, किशन बब्बर और विनोद बब्बर, और इनकी 4 बहनें थीं, शशि बब्बर, किरण चंडोक, मल्होत्रा जोड़े और अंजू सहदेवी। जी हाँ दोस्तों, तो अभी ये अपनी पूरी फैमिली के साथ, नादिरा और उनके बच्चों के साथ इसी घर में रहते हैं। तो ऊपर देख सकते हैं आप लोग कितने शानदार तरीके से इस घर को बनाया गया है। ऊपर टेरेस पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, एक इनके घर के सामने आम का पेड़ भी है और ये पूरा का पूरा घर जो है वाइट कलर से कलर किया गया है। और सामने की जो बालकनी है, ऊपर का ऊपर फ्लोर का, उसको पॉलीथीन से ढका भी गया है। और यहाँ से मैं आपको इस घर को हर साइड से दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से इसको दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ पर है और कैसा दिखता है। आपको बता दें, राज बब्बर भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों समेत उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अपना अभिनय बिखेरा है। वर्तमान में उन्होंने
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन 2018 में वो राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे चुके हैं और अभी राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ही वो काम भी करते हैं। राज बब्बर की जो पहली पत्नी थी नादिरा बब्बर, उनके दो बच्चे थे जूही बब्बर और आर्या बब्बर। उनकी दूसरी शादी स्मिता पाटिल से उन्होंने किया था, जिनकी लंबी बीमारी के बाद जब देहांत हो गया तो राज बब्बर जी वापस अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के पास वापस लौट आए। और स्मिता पाटिल के जो बेटे हैं वो हैं प्रतीक बब्बर। आपको बता दें, सन 1983 में राज बब्बर ने मुंबई के जुहू इलाके में बनी आयस्टर सेल अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदकर अपनी बीबी नादिरा को गिफ्ट किया था। उसकी प्राइस 2.3 करोड़ रुपए थी। राज बब्बर ने 1987 में मुंबई के गुलमोहर रोड पर इसी घर को 36.5 लाख रुपए में ये बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत 2015 में 7.5 करोड़ रुपए बताई गई थी। लेकिन इस समय इस बंगले की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए हो चुकी है। इतना ही नहीं, राज बब्बर के पास कई महंगी और लग्जरी कारें भी हैं। इनके पास लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, BMW ये सारी गाड़ियां हैं। और गोल्ड के मामले में इस कपल के पास करीब 1.25 करोड़ की ज्वेलरी भी है। राज बब्बर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सी का इससे शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान इंसाफ का तराजू और निकाह से मिली। इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों और 30 नाटकों में अभिनय किया है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से यश भारती सम्मान भी मिल चुका है। वे ऐसे संगठनों से जुड़े हैं जो एड्स की रोकथाम, मादक पदार्थों की लत और शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। अगर यहीं पर राज बब्बर की नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपए है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना सुंदर सा बंगलो है जो कि राज बब्बर जी का है और ये गुलमोहर रोड पर स्थित है। आपको बता दें कि इस बंगले के नीचे आपको एक बैंक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इन्होंने उसको किराए पर दिया हुआ है, मतलब उस पूरे रूम को सामने वाला। तो गाइज, यही है राज बब्बर जी का घर, जो कि एक बहुत ही पॉश इलाके में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगल बगल भी काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और इनका घर काफ़ी शानदार है। सबसे जानदार तो इधर से देखने में लग रहा है, क्योंकि सामने बालकनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी लगाई गई है। अभी आपको बता दें कि यहाँ पर ये बीच में काम जो हो रहा है, ये मेट्रो का काम चल रहा है। नहीं तो अभी सामने से पूरा बकायदा नीचे से ऊपर तक मैं आपको दिखाता, और इसलिए थोड़ा सा दूर जाके दिखाना पड़ता है ताकि इनके ऊपर तक के बंगले को पूरे अच्छे से मैं कैप्चर कर सकूं और आपको दिखा सकूं। नज़दीक से ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो साफ तौर पे दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दूर भी आना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट गेट पर भी जाकर आपको इनके घर का नज़ारा दिखाया है और अंदर का भी थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाया है, और दूर से भी पूरा बाहर से ऊपर का नज़ारा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, एक समय में राज बब्बर जी की हिंदी मूवी में यानी बॉलीवुड में तूती बोलती थी। उन्होंने कई सारे फिल्मों में हीरो का भी रोल अदा किया है और सबसे ज़्यादा रोल उन्होंने विलेन का अदा किया है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं इनके बंगले का चारों तरफ से नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, बहुत सारे लोग होते हैं, ये जानने की इच्छा उनमें होती है, चाहत होती है कि जिसे हम बड़े बड़े पर्दों पर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, रियल में उनकी लाइफ कैसी है, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितना घर है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तो मैंने आपको सब कुछ इसमें बारीकी से बता दिया है। उम्मीद करूंगा कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।